Hello my dear students, once again welcome to my channel Koresh. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you one word. Students, जैसे आपको पता ही है कि हमारी one word की सीरीज चल रही है और उसमें ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास का फर्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट आपका ए पर्सन हु हुक्स गुड्स, यानी कोई व्यक्ति है स्टूडेंट वो क्या होता है, मतलब जिसे आप फेरी वाला बोल सकते हो उसको बोलते हैं हॉकर। हॉकर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपने देखा गैस सिलेंडर वगैरह जो देने आते हैं या जो फेरी वाले दुकानों पर सामान देते फिरते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, हॉकर है, यानी जो सामान को रटका करके जगह जगह पर घूमते फिरते रहते हैं उनको बोला जाता है आपका हॉकर। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द बॉडी विच पम्प्स ब्लड थ्रू द सिस्टम, यानी कि इसमें बताया गया स्टूडेंट कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, जो ब्लड होता है हमारा, जो खून होता है उसको सिस्टम के जरिए उसको क्या है, वो ब्लड को पूरे शरीर में उसको सर्कुलेशन कराता है, यानी उसको पंप करता है और उसको ब्लड को क्या करता है, साफ करता है, तो उसको बोला जाता है आपका हार्ट बोलते हैं, जिसको हम हृदय बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ए हैंडल और व्हील फॉर मूविंग द राइडर ऑफ ए बोट और शिप, ये क्या होता है स्टूडेंट, एक हैंडल होता है, जैसे आपने देखा होगा जो डाम वगैरह जो होती है उनको क्या होता है, एक पतवा टाइप का होता है, तो उसके नाव के साइड लगाते हैं उसको, मतलब साइड से पानी को क्या करते हैं फ्लो कर देते हैं, तो उससे क्या नाव आगे बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है आपका हेल्म, यानी उसको हम पतवार बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ए काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट एबल टू टेक ऑफ एंड लैंड इन द वेरी स्मॉल स्पीड, यानी कि क्या होता है एयरक्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं, जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं। एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा मतलब हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी जगह आप उसको लैंड करा सकते हो, छोटी सी छोटी जगह में, तो उसको हेलीकॉप्टर बोला जाता है। नेक्स्ट ए प्लेन फिगर ऑफ सेवन साइड्स, यानी कि कोई भी एक फिगर है, कोई भी आकृति स्टूडेंट उसकी कितनी है, सेवन, यानी उसकी सात भुजाएँ होती हैं, तो उसको बोला जाता है आपका हेप्टागन, यानी उसको हम सप्तभुज बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट ए पर्सन हु टेक पार्ट इन हाईजैक, यानी कोई व्यक्ति है वो क्या करता है स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लेन वगैरह होते हैं तो उनको क्या है हाईजैक कर लिया जाता है टेररिस्ट के द्वारा, और फिर उनसे गवर्नमेंट से क्या उनकी कुछ मांगे होती हैं, तो उनको क्या हो जाता है हाईजैकर बोलते हैं, यानी उनको हम अपहरणकर्ता बोलते हैं, अपहरण जो कर लेते हैं व्यक्तियों को। नेक्स्ट ए पर्सन हु गोज फॉर ए लॉन्ग वॉक इन द कंट्री, ठीक है, कोई व्यक्ति है अपने देश में क्या स्टूडेंट, मतलब एक पदयात्रा बोला है जिसको हाइकर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब कोई भी आप समझ सकते हो कि मतलब किसी भी संस्था के लिए प्रचार प्रसार करता है या समाज के लिए कोई भी काम कर रहा होता है तो वो क्या है पदयात्रा करता है, जैसे गांधी जी ने नमक यात्रा चली तो वो पैदल पैदल गए थे साबरमती से, तो इसी तरीके से उसको क्या बोला जाता है हाइकर बोलते हैं, जो व्यक्ति होता है उसको। नेक्स्ट पे राइटर ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, उसको बोला जाता है आपका हिस्टोरियन, यानी उसको हम इतिहासकार बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सन हु प्रैक्टिस होम्योपैथिक, यानी कोई व्यक्ति है वो क्या है स्टूडेंट, ये एक हम बात कर रहे हैं एक चिकित्सा की क्या है एक प्रणाली होती है होम्योपैथिक, ठीक है, उसको बोला जाता है होम्योपैथ। इसमें क्या है ये जैसे कि आपका मेडिकल साइंस है इसी तरीके से आपका होता है ये होम्योपैथ, तो जो व्यक्ति होता है वो होम्योपैथी के द्वारा क्या आपका इलाज करता है तो उसको बोला जाता है आपका होम्योपैथ। नेक्स्ट ए पर्सन हु किल ए ह्यूमन बींग, यानी कोई क्या करता है स्टूडेंट किसी भी मानव जाति की क्या है वो हत्या कर देता है, तो वो होम मीन्स क्या है ह्यूमन के लिए यूज़ किया था, साइड यूज़ किया था फॉर किलिंग समबडी, किसी को मार देने के लिए, तो जो व्यक्ति की मतलब जो मार देता है किसी मानव को तो उसको होमोसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट ए वर्ड दैट इज सेम इन साउंड एनदर वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी दो वर्ड होते हैं उनका क्या है जो साउंड है वो तो क्या है आपका सेम रहता है, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स हैं वो क्या है स्टूडेंट वो अलग अलग होते हैं वर्ड में, ठीक है, तो उनको बोला जाता है आपको होमोनिम, यानी होमोनिम बोला जाता है उनको। नेक्स्ट ए हॉलीडे विच इज टेकन बाई ए नेवली मैरिड कपल, यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट जो नई नई शादी होकर आती है तो हस्बैंड वाइफ में कुछ दिनों के लिए क्या है मतलब इंजॉय के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका स्टूडेंट हनीमून बोलते हैं उसको। नेक्स्ट ए डायग्राम ऑफ द हेवन शेपिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट ऑफ द टाइम ऑफ ए पर्सन डेथ, ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि व्यक्ति मान ली कोई व्यक्ति क्या है मतलब जैसे कि छोटा बच्चा है वो जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर के और उसके मरने तक क्या है मतलब उसकी
उसको बोला जाता है हॉरोस्कोप, उसमें जन्म पत्री बोलते हैं स्टूडेंट। तो उसमें जन्म कुंडली बोल सकते हैं आप शुरू में उसका, जैसे नामकरण वगैरह होता है तो पंडित जी वगैरह जो भी होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, तो वो बताते हैं कि आपका बच्चा इस तरीके से फ्यूचर में ये काम करेगा, ये काम इसको करने इतना पड़ेगा, इतनी जॉब करेगा। तो इस तरीके से उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, उसको हम जन्म पत्री बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्लेस फॉर ट्रीटमेंट, यानी एक जगह जहाँ पर हम क्या है इलाज कराने जाते हैं अपना, तो उसको बोला जाता है आपका हॉस्पिटल बोलते हैं, उसको अस्पताल बोलते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हु इंट्रेंस गेस्ट, तो क्या होता है स्टूडेंट कि कहीं भी जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनकी क्या है उनकी देखभाल करता है, उनको मतलब उनका मान सम्मान करता है, सत्कार करता है उनकी, तो उसको हॉस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक, और अगर लेडीज होती है तो स्टूडेंट को क्या है वो उसको होस्टेज बोल देते हैं। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर मील्स एंड रूम्स आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रेवलर्स, ठीक है, एक जगह होती है जिसको हम होटल बोलते हैं, होटल बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रैवलर्स हैं यानी जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर रहते हैं, उनको रूम वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको खाना पीना है, रहना सहना सब कुछ दिया जाता है, तो ऐसी जगह को होटल बोला जाता है। नेक्स्ट डॉग यूज फॉर हंटिंग एंड रेलिंग, ये एक तरीके से उनको बोला जाता है आपका हॉर्न, ये होते हैं शिकारी कुत्ते जो बर्फीले इलाके वगैरह होते हैं उनमें शिकार वगैरह करते हैं, और जो स्केटिंग की जाती है बर्फ है तो उसके जो गाड़ी होती है उसको खींचने का काम करते हैं, ऐसे उनको शिकारी कुत्ते को बोलता जाता है आपका हंट। नेक्स्ट ए पर्सन हु यंग देन अदर्स, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति है वो यंगर देन, मतलब जो उससे कुछ एज में कुछ बड़े हैं, तो जो बड़ा होता है उसको सीनियर बोल देते हैं और जो छोटा होता है उसको स्टूडेंट हम आपका जूनियर बोल देते हैं। तो जो और की एज से क्या है मतलब छोटा है तो उसको बोले यानी जवान बोले तो उसको जूनियर बोला जाता है, छोटा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट ए वुमेन हु इज हेड ऑफ ए फैमिली, यानी कि किसी भी जो फैमिली होती है, मान लीजिए हम सबकी फैमिली है, तो जो घर की जो संचालिका उनको बोला जाता है हाउस वाइफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इंट्रोडक्शन देते होंगे तो जनरली हम बोलते हैं कि मेरी जो मम्मी है वो हाउस वाइफ हैं, तो वो क्या होते हैं घर की संचालिका होती हैं, वो घर का घर को चलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैन टू होम ए वुमेन इज मैरिड, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिससे क्या है कि लेडीज क्या है शादी करती है, तो जिससे वो शादी करती है वो उसका क्या होता है स्टूडेंट, वो उसका हस्बैंड होता है, और उस व्यक्ति की जो लेडीज होती है वो उसकी वाइफ होती है। नेक्स्ट ए प्रेयर लीडर इन ए मॉस्क, ठीक है, जो मॉमटन जो होते हैं मुसलमान होते हैं उनके यहाँ पर क्या है जो मस्जिद होती है उनका जो धार्मिक स्थल होता है उसको इमाम बोला जाता है, जो वहाँ पर क्या है उनके लिए इबादत करता है, या हम कहें जो उनका भगवान है उससे क्या है वो प्रेयर करते हैं उनके लिए, उसको इमाम बोला जाता है। नेक्स्ट है होली वॉर विच इज़ अंडरटेकन एज ए सीक्रेट ड्यूटी बाई मुस्लिम्स, ठीक है, ये मतलब एक तरीके से हम बात करें जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो इसको मतलब ये सोचते हैं कि मतलब एक तरीके से ये धार्मिक उनका त्यौहार है, मतलब एक तरीके से युद्ध होता है तो उसको जिहाद बोला जाता है, इसमें ये आपका जो मोमटन होते हैं मुसलमान व्यक्ति होते हैं उनके यहाँ पर होता है। नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ पर्सन हु स्वेयर टू गिव ए ट्रू डिसीजन, ठीक है, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं स्टूडेंट जैसे आजकल जो कोर्ट कचहरियाँ होते हैं आप सुप्रीम कोर्ट है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी मतलब बात करें काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी जो समझदार होते हैं तो उनको बोला जाता है जूरी, ये क्या करते हैं स्टूडेंट डिसीजन देते हैं या बात करें एक सही तरह से दूसरे व्यक्ति को न्याय देते हैं उनको जूरी बोला जाता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो सौरमंडल है उसका जो सबसे बड़ा ग्रह है मतलब उसको जुपिटर बोला जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ए वेजल फॉर बॉयलिंग लिक्विड, ठीक है, यानी कि एक बर्तन होता है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट इसमें हम बॉयलिंग करते हैं यानी उबालते हैं लिक्विड्स यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं तो उसको बोला जाता है केतली। केतली में क्या है चाय वगैरह बनाते हैं या जो भी हम जैसे पानी गर्म करना हो या अदर जो भी लिक्विड जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनको गर्म करने के काम में आते हैं उसको केतली बोला जाता है। नेक्स्ट ए पर्सन हु कैरीज ऑफ सम बॉडी बाई फोर्स, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति की मतलब ज़बरदस्ती उसको ले जाता है यानी उसको किडनैपर बोलते हैं स्टूडेंट यानी उसको अपहरणकर्ता बोलते हैं किसी व्यक्ति को क्या फोर्सली यानी उसको गन दिखा करके या उसको ज़बरदस्ती उठा करके ले जाते हैं तो उसको किडनैपर बोला जाता है। नेक्स्ट ए रूम फॉर प्रिपेयर मील्स और टू गेट, यानी कि एक घर मतलब एक कमरा होता है स्टूडेंट उसमें क्या उसमें खाना वगैरह प्रिपेयर किया जाता है बनाया जाता है तो उसको हम किचन बोलते हैं जिसको हम रसोई घर बोलते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है यंग ऑफ द शीप, जो भेड़ का बच्चा होता है स्टूडेंट उसको बोला जाता है लैम, यानी उसको हम मेमना बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, यानी कि जो हम बात करें जो कीड़ा होता है, मतलब कोई भी जो कीट पतंग होते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि जैसे मानव है जन्म लेता है तो कोई बच्चा होता है, इसी तरीके से जो कीट्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको लार्वा बोला जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर क्लॉथ आर वॉश एंड प्रेस्ड, यानी कि किसी जगह जहाँ पर कपड़ों को कैश में धोया जाता है और उनको प्रेस की जाती है उसको बोलते हैं लॉन्ड्री, यानी कपड़े धोने की जो दुकान होती है उसे बोलते हैं ना लॉन्ड्री वाला आया भाई कपड़े निकाल के दे दो उसको, मतलब वो कपड़े धोने के लिए ले जाएगा। नेक्स्ट ए पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, यानी कोई व्यक्ति है वो क्या है कानून पढ़ता है तो उसको बोला जाता है लॉयर, उसको बोलते हैं हम वकील। नेक्स्ट ए पर्सन हु टेल ए लाई, जो व्यक्ति है कोई झूठ बोलता है उसको बोलते हैं लायर, झूठा। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी जो पुस्तकालय होता है स्टूडेंट वहाँ पर आप तरह तरह की बुक्स को देख सकते हो पढ़ सकते हो, तो वहाँ का जो इंचार्ज होता है यानी उसका जो हम बात करें संग्रह करता है उसको लाइब्रेरियन बोला जाता है। नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफिसर हु इज लो कैप्टन रैंक, यानी कोई व्यक्ति है मतलब ऑफिस में मतलब जो आर्मी होती है हमारी जो सेनाएं होती है स्टूडेंट तो वहाँ पर जो रैंक होती है ना कैप्टन, कैप्टन की रैंक से क्या है वो नीचे होता है उसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट, यानी हम वो नौसेना का एक अधिकारी होता है जो, ठीक है, या हम बात करें ए जूनियर ऑफिसर इन द नेवी, नेवी में भी लेफ्टिनेंट होता है स्टूडेंट और आपका आर्मी में भी आपका लेफ्टिनेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति है उसको क्या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी चाइनीज मतलब बहुत सारी लैंग्वेज का उसको ज्ञान होता है, ठीक है, तो उसको लैंग्विस्ट बोलते हैं, यानी लैंग्वेज से नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भाषाओं का ज्ञाता बोल सकते हैं। एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, कि कोई भी जो एल्कोहल के जो पदार्थ होते हैं उनको बोला जाता है लिक्वर, यानी उसको मदरा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसे शराब बोला जाता है। नेक्स्ट है मेडिसन विच इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, ठीक है, सॉरी ए मशीन है, ये मशीन विच इज यूज फॉर वेयरिंग क्लॉथ, यानी कि उसको बोला जाता है करगा, यानी लूम बोलते हैं, आपने चरखे का नाम सुना होगा स्टूडेंट, उसमें क्या होता है धागा बनाया जाता है जिससे कपड़े जो बनाने की मतलब कपड़े बनाने की जो मशीन होती है उसको बोला जाता है आपका लूम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट ए काइंड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट ब्लॉसम इन वाटर, यानी कि जो बसंत ऋतु होती है तो उसमें क्या है एक पदार्थ का एक फ्लावर्स होता है स्टूडेंट जो आपका किसमें खिलता है पानी में खिलता है उसको बोला जाता है आपका लोटस, इसको हम कमल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पर्सन हु इज डेवोटेड टू समथिंग, यानी कोई व्यक्ति है किसी को हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसी की भी जो प्रशंसा करता है, ठीक है, मान लीजिए आप अगर कहीं भी आप अपने फैमिली में मान लीजिए आप अपनी फैमिली अगर मान लीजिए आप अपने मम्मी है या पापा हैं तो आप उनकी क्या बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, मेरी मम्मी ऐसी या मेरे पापा ऐसे या मेरा कोई टीचर है या किसी फ्रेंड वगैरह की जो आप क्या होते हैं उनकी प्रशंसा करते हो तो आप उनकी लवर हो, यानी आप उनसे प्रेम है या आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो यानी उसके एडमायर हो आप, ठीक। नेक्स्ट बैगेज ऑफ ए ट्रैवल, ठीक है, इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कोई व्यक्ति है वो उसका जो साजो सामान बोलते हैं उसको बोला जाता है लगेज, यानी यात्री का सामान। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग विथ मिल्क फ्रॉम द फीमेल मेमल्स ग्लैंड्स, यानी कि जो जो जानवर होते हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं फीड्स मतलब प्रोवाइड कराते हैं एक तरीके से अपने जो यंग बच्चे होते हैं, और जो फीमेल होती है ना स्टूडेंट वो क्या करती है उसकी जो दुग्ध ग्रंथिकाएँ होती हैं जिनको आप बोल सकते हो फीमेल मेमल्स ग्लैंड्स होती हैं उनको बोला जाता है आपका मेमल, यानी जो स्तनदायी प्राणी होते हैं मतलब अपने बच्चे को जो दूध पिलाते हैं उनको बोला जाता है मेमल्स। नेक्स्ट ए बुक डॉक्यूमेंट लेटर इट इज रिटन बाई हैंड और टाइप्ड, ये क्या होता है स्टूडेंट के मतलब कोई भी बुक है जैसे कि मैं अपने हाथों से इसको क्या है हैंड रिटन है ये मेरे नोट्स हैं खुद के तो ये क्या है आपके मैनुस्क्रिप्ट है यानी मेरे खुद के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये मैनुस्क्रिप्ट है यानी आपके पांडुलिपि बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट है फीमेल ऑफ डंकी और हॉर्स, यानी कि जो आपका जो गधा होता है या हम घोड़े की बात करें उसको मेयर बोला जाता है या उसको हम गधी बोल सकते हैं जो फीमेल होती है जैसे हॉर्स है या आपका डंकी उसकी जो फीमेल जो फेमिनाइन होती है जेंडर उसको बोला जाता है मेयर। नेक्स्ट है द लीगल और रिलीजियस सेरेमनी विच डिसाइड ए मैन और वुमेन टू लाइफ और एज हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि एक तरीके से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं स्टूडेंट एक हम बात कर रहे हैं शादी की जिसको मैरिज बोलते हैं जिसको हम विवाह बोल सकते हो शादी बोल सकते हो और निकाह बोल सकते हो,
ये एक तरीके से लीगल होता है, कानूनी तौर पर शादी कर रहे होते हैं, या आपकी जो धार्मिक तरीके से जो शादी होती है, यानी जो आपके धर्म गुरु हैं और आपकी जो फैमिली के थ्रू कराई जाती है, मतलब सबको शामिल करके, तो उसको मैरिज बोला जाता है। नेक्स्ट है ए मैग्निफिसेंट टर्म। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जो आपने देखा होगा कभी आप आगरा घूमने गए हो, तो जो मकबरा है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा पे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, उसको बोला जाता है मॉशलियम, यानी जो विशाल मकबरे होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट, जो नगर पालिका जो होती है आपकी, नगर निगम है, ठीक है, तो उनका जो अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है आपका मेयर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को रखते हैं स्टूडेंट यहीं पर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।